अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ आंध्रा स्टाइल ब्रेकफास्ट। अक्सर हम हॉलीडे के दिन इडली डोसा वड़ा कुछ भी बनाना चाहते हैं बिल्कुल डेली रूटीन से हटके, लेकिन अक्सर हम भूल अगर भिगाने के लिए भूल गए डोसा इडली के लिए, तो ये रेसिपी बहुत काम की है। एक आधे घंटे के लिए, आधे से एक घंटे में ये बन जाता। आधे घंटे के लिए इसका डो भिगा के रखना पड़ता, बस इसको ज़्यादा घंटों के लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ली हूँ 1/4 किलो मैदा। 1/4 किलो मैदे में मैं डाल रहा हूँ 50 ग्राम आटा और 1/2 टीस्पून नमक। और 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून फुल गाढ़ा दही। और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून फुल रवा, ये उखमे का रवा है। ये सारी चीज़ों को मैं हाथ से अच्छे से मिला ली। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको भिगाते जाएंगे। चलिए मैं इसको अच्छे से भिगा ली। जो थोड़ा सा कटोरी में जो ऑयल बचा है, ऑयल इसको लगा देंगे। उसको आधा घंटे के लिए ढाक कर छोड़ देंगे। जब तक हमारा डो रेस्ट हो रहा है, जब तक हम ये इसकी सालन की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैं ली हूँ 6 से 7 हरी मिर्ची को पेस्ट बना ली और 1 मीडियम साइज की प्याज को मोटी मोटी कट कर ली, खड़ी कट कर ली। और 1-2 गाजर को बारीक चॉप कर ली इसको, और 1 आलू छोटे साइज के आलू को भी बारीक साइज में कट कर ली। 1 धनिया का पाउडर है, रोज करके पाउडर बना ली 1 टीस्पून, और कुछ करिया पके पत्ते हैं, ये 1 टीस्पून फुल अदरक लहसुन है, बेसन है 2 टेबलस्पून फुल। सबसे पहले हम बेसन का घोल बना के रख लेंगे। इसका घोल बना दिए, इसको साइड में रख देंगे। चलिए मैं कढ़ाई रख दी, इसमें डाले 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद इसके साथ ही वेजिटेबल्स भी डाल देंगे। अब इसको डालेंगे अदरक लहसुन। अब इसको डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। और इसको करिया पत्ते पत्ते डालें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और वेजिटेबल्स को गला लेंगे। वेजिटेबल्स को गला लें। चलिए आधा घंटा हो गया, इसको 1-5 मिनट फिर एक बार इसको अच्छे से गूंद लेंगे। 5 मिनट तक मैं इसको अच्छे से गूंद ली और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, जिस तरह हम रोटी के बनाते हैं उसके खरीब आधे। ये साइज के बना लेंगे सारे। इसके वेजिटेबल्स गल गए, इसमें पानी डालें। 2 कप पानी डालेंगे इसमें। अब इसमें बॉईल शुरू हो गया। अब इसमें जो बेसन का घोल बना के रखे थे वो एक हाथ से डालते जाएंगे, एक हाथ से मिलाते जाएंगे। और इसमें जो धनिया पाउडर बताए थे वो डाल देंगे, और जो हरी मिर्च का पेस्ट था वो भी डाल देंगे।
और फ्लेम को धीमा कर देंगे। अब नमक इसका टेस्ट करके कम है तो डाल सकती है टाइम पर। नमक कम है, थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ। अब धीमे पे साइड में रख देंगे। इस पर पूरी तलने के लिए कड़े रख देंगे दूसरे चूल्हे पर। एक 4 से 5 मिनट धीमे फ्लेम पे मिलाते हुए पकाएंगे बीच बीच में, इसका बेसन का कच्चापन जाने तक। चलिए, सरफेस पे साफ है, नीट है, थोड़ा सा हल्का सा मैदा छिड़क के छोटे छोटे साइज के पूरियाँ बना लेंगे। चाहे तो आप छोटे भी बना सकते हैं या थोड़ा बड़े भी बना सकते हैं। चलिए, हमारी पूरी तैयार है। बिल्कुल ये ज़्यादा मोटी भी नहीं, ज़्यादा पतली भी नहीं, मीडियम बेलना। इसी तरह हम सारे बेल लेंगे। चलिए, 5 से 6 पूरे एक साथ बेल लेंगे, फ्राई कर लेंगे एक साथ। डीप फ्राई करने के लिए मैं रख दी हूँ ऑयल, कड़े में ऑयल डाली, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। एक छोटी सी मैदे की गोली डाल के देखना, फौरी अगर ऊपर आ गई तो ऑयल हमारा रेडी है। ज़्यादा ऑयल ओवर भी गर्म कुक नहीं करना, गर्म रहना मीडियम गर्म। पूरी डालने के बाद हल्के से नीचे की तरफ इसको प्रेस करना पूरी को तेल में। देखिए माशाल्लाह अच्छे से फूल गई। इसी तरह हम सारे फ्राई करेंगे। माशाल्लाह हमारे बेसन का जो सालन बनाए थे वेजिटेबल डाल के, माशाल्लाह ये भी बहुत मज़ेदार बना। बिल्कुल होटल में रेस्टोरेंट में जिस तरह मिलता उसी तरह। चलिए, हमारी रेसिपी तैयार है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी। पूरी भी बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट पूरी बनी। और गरम गरम आप इसके साथ बेसन के सालन के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए, मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।